नमस्कार श्रीमा किचेन रे आपण समस्तंको अनेक अनेक स्वागत। आपण माने कार्तिक मासर सोमवार रे बनंतु एही परी डालमा। जदि आपण थरे बने की खाइबे आर टेस्ट जमा रूपी भूली पारिबेन। आउ ए डालमा को मो बिना प्याज रसण रे बनौची। आपण माने घरे त डालमा बनौछथि हेले मो प्रोसेस रे जदि आपण माने डालबा बनेबे बहुत टेस्टी लागिबो। सेथिपई वीडियो को फुल वाच करंतु भल लागिले लाइक कर दियंतु। ताहेले चालंतु आरंभ करबा सोमवारिया डालमा रेसिपी। तो डालमा बनेबा पई प्रथमे गैस उपर गोटे कढ़ई बसै देबा। आउ कढ़ई गरम हला परे आमे सेथिरे धनिया 2 चम्मच जीरा गोटे चम्मच आउ किछि सुखिला लंका दे देबा। बस एतिके जिनिस देके ताको टिके हल्का भाजी नेबा। आपण माने जदि ए सब जिनिस को भाजी कि गुंड करिके जदि डालमा रे पकेबे ताहले डालमा रे बासना बहुत बढ़िया आसी थाय। खाइबा को भी सेमिति टेस्ट लागै थाय। तो प्रथमे आमे कोन करिबा ए जिनिस सब को भाजी कि बाहर कर नेबा ठंडा करिके ताको गुंड कर नेबा। तो एठि देखंतु आमर धनिया जीरा और सुखिला लंका भल भाव भाजी हो गलानी। एबे गोटे प्लेट को बाहर करने बा आउ किछि समय पय ताको ठंडा करने बा। ठंडा हला परे आमे ताको गुंड करने बा। तो एठि देखंतु मु गोटे हेमदस्ता ने जाय छी आ हेमदस्ता रे ए भाजी थिबा मसला को दे दउ छी आ ताको देई के भल भाव गुंड कर नउ छी। तो एबे देखंतु फ्रेंड आमर जीरा धनिया और सुखिला लंका भल भाव पाउडर हो जाय छी। एबे ताको भी गोटे प्लेट को बाहर करने बा। तो एबे आमर मसला पाउडर रेडी होगला। तो डालमा बनेबा पई कोन कोन सामग्री नै छी चालंतु देखिने बा। तो डालमा पई जहां परिवा दरकार मु आगरु काटी के ताको भलो भाबे धोई के एठी रखी छी। बैगण मु एठी नै जेछी दुईटी मीडियम साइज रो आ ता साथरे नै छी कटा कखरु बा बोइतालु आ ता साथरे नै जेछी दुईटी मीडियम साइज रो कटा आलू आ दुईटी कटा टमाटर नै छी आउ किछि सारु नै छी आ तापरे देखंतु कटा कंचा कदळी भी मु एठी नै छी आ कदळी को मु पानी रे रखी छी नहले कदळी कोला पड़ जिबो। आउ तापर एटि 200 ग्राम रो हरड डाली नै छी आउ आपण चाहिले मुग डाली भी नै परिबे। तो एबे चालन तो आमे डालमा बनेबा। तो डालमा बनेबा पई मो एटि गोटे बडो साइज रो अल्युमिनियम रो हांडी नै जाई छी। आउ जदि बडो साइज रो हांडी बा डिक्ची नेबे ताहाले सेथिरे बनेबा बहुत सहज होई थाय। तापर सेथिरे दे देबा पानी। तो पानी मो एटि नै छी 4 ग्लास पानी नै छी। तो पानी देसाला पर आमे सेथिरे दे देबा हरड डाली आ तापर दे देबा किछि स्वाद अनुसार लुण। मु डाली रे जति कि लुण दरकार मु एबे सब दे दउ छी आ आधा चम्मच आमे हळदी गुंड दे देबा। तो लुण हळदी दे सारला पर डाली किछि समय सिझिबा पई आमे घोड़े के कुक कर नेबा। तो एठि देखंतु आमर डाली आधा सिझि गलानी आ भलो भाबे फुटुची आपण माने देखि परथिबे। ए स्टेज रे आमे परिवा दे देबा। तो एठि आमे सबु परिवा को पकाई देबा। जदि ए रेसिपी आपण मानको भलो लागुची ताहाले लाइक करंतु शेयर करंतु आ मो चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ पाखे रस्तेबा बेल आइकन को क्लिक करंतु जहा द्वारा मु पठोतिबा सबु वीडियो आपण माने सर्वप्रथमे देखि परिबे। तो एठि देखंतु मु सबु परिवा दे देछि आ किछि अदा को मु छेचिकी रखितिलि से छेचा अदा को मु एबे दे दउछि। आपण माने जदि ए स्टेज रे अदा को छेचिकी पकेबे ताहाले डालमा आर फ्लेवर टा बहुत बढ़िया आसीबा और खाइबा को बहुत टेस्टी लागिबो। बस ए स्टेज रे आमे सब जिनिस को पकेई देले। एबे ताको टिके गोळे नेबा। तो एबे सब जिनिस को आमे गोळे नेले। एबे कोन करिबा ताको 15 रु 20 मिनिट पर्यंत घोळे के कुक करिबा जहा द्वारा आमर परिवा टा भलो भाबे सिझि जिवो। अब परिवा सिझिला पर मु आपन मानको देखौछि। तो 20 मिनिट पर देखंतु आमर परिवा सब भलो भाबे सिझि गलानी। एबे आमे डालमा को टिके गोळे के ताको मेस कर नेबा। मेस कले आमर डालमा टा टिके बहळिया हबो अब परिवा आमर सब अल्प मिसि जिवो। तो एठी देखंतु आमर डालमा टिके मेस जाय छी आउ देखिबाकु भी बहुत सुंदर लागु। आ लास्ट स्टेज रे आमे ए डालमा पई छुंक बनेबा। तो छुंक बनेबा पई देखंतु मु गैस ऊपर गोटे कढ़ाई बसी दे छी आ कढ़ाई रे दे दउ छी 2 चम्मच रो घी। तो घी भलो भाबे गरम हला पर आमे सेथिरे दे देबा सोरिस गोटे चम्मच आ ता पर सेथिरे दे देबा जीरा गोटे चम्मच आ गोटे चम्मच आमे पान मधुरी दे देबा। ता पर किछि सुखिला लंका दे देबा आ लास्ट रे किछि हेंगु देकी ताकु भाजी नेबा। हेंगुटा देले डालमार बासनाटा बहुत बढ़िया आसी थाय। सेथि पई आपण निहाती हेंगु पकेबे। तो ए सब जिनिस दे सारला पर किछि समय पई भाजी नेबा। तो एठी देखंतु आमर जीरा सोरिस सुखिला लंका भलो भाबे भाजी हे गलानी। तो ए स्टेज रे आमे पकेइ देबा डालमा को। तो डालमा देकी ताकु भलो से गोळी नेबा। आउ जो आम आगर बन रखी डालमार ए सब जिनस को पकई कि भल भाव गोल। तो भल भाव गोलला आम जो जीरा और धनिया और सुखिला लंका को भाजिक गुंड कर जो रखी से मसला को पकई कि भल भाव गोल। तो देखंतु फ्रेंड आमर कार्तिक मास सोमवार डालमा एबे प्रस्तुत होइगला। तो जे कोनोसी ओसा व्रत रे एई डालमा को बनेय के खाई परिबे आ आरो मजा नै परिबे। तो आशा करूची आजर रेसिपी आपण मानको निहाती पसंद आस्तिबा। आ जदि आजर रेसिपी आपण मानको पसंद आसी ताहाले लाइक कर दियंतु आ मो चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु आ पाखर आस्तिबा बेल आइकन को क्लिक कर दियंतु। तो पुणी देखाबा आ गोटे नुवा रेसिपी रे। से पर्यंत रहूची नमस्कार बाय जय जगन्नाथ।